अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों के? चलो बस ठीक है, खुश रहो भाई। हजरात, हम इस शो में जहाँ आपके साथ मजाक करते हैं, कह भी खेलते हैं, आप लोग हंसते हैं, इंजॉय करते हैं, वहाँ हम चाहते हैं कुछ ऐसी बातें भी हों जो हमारा फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ है एक पाकिस्तानी होने के नाते। तो मैं आपको थोड़ा सा टीच करना चाहता हूँ, वो ये बात है कि आप लोग खुदा के लिए हुकूमत का साथ दें, बिजली कम इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। यानी कि हम बिजली का निज़ाम नहीं दुरुस्त करेंगे, मार्केटें जल्दी बंद कर दो, कारोबार ठप कर लो। इसीलिए मैं कहूँगा आटे के लिए चीखो मत, खुराक कम करो। चार रोटी खाते हो दो खाओ, दो खाते हो एक खाओ, एक खाते हो आधी खाओ, आधी खाते हो पाव खाओ, पाव खाते हो मत खाओ, बाहर में जाओ। इससे क्या, चीनी चार चम्मच पीते हो तीन पियो, तीन पीते हो दो पियो, दो पीते हो एक पियो, एक पीते आधा पियो, और आधा पीते हो तो खाली चम्मच कुआओ। क्या जरूरत है चीनी पीने की, है कि नहीं? अगर पेट्रोल आप रोजाना 10 लीटर ना डलवाएं, 5 लीटर, 5 लीटर भी, 2.5 लीटर, ढाई सवा सवा के बाद आप उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल के गाड़ी को आग लगा दें। ये है मुश्किलात पे काबू पाने का तरीका। आप खुदा के लिए एक सच्चे पाकिस्तानी बनिए, घबराइए मत, महंगाई से मत घबराएं। कोई आपका टेलीफोन छीनता है आप उससे कहें भाईजान आप टेलीफोन ले जाएं, लेकिन कभी कभी मुझे इस नंबर पे कॉल करने की इजाजत दे ताकि मैं अपने फोन पे बात तो सुन सकूं। तो आपको ये सारी चीजें आपको एडजस्ट करनी है, हुकूमत को तो और बहुत सारे दर्द सरी है, वो बेचारे क्या क्या मुसीबतें मोल लें। तो मैं समझता हूं कि हमें ताबुन करना चाहिए, और ताबुन हमें एक दूसरे से ही करने से हम सीखेंगे। आज के हमारे मेहमान इसी गुफ्तगू से वो उनका रिश्ता जुड़ा हुआ होगा, और हम इसी गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, और वो भी एक ब्रेक, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारी गाड़ी में ब्रेक है। मैं वादा करता हूं आइंदा मैं जिस गाड़ी में आऊंगा उसमें ब्रेक नहीं होगा, तो ब्रेक ना लगाना पड़े। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं फिर आपसे करते हैं गुफ्तगू। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अभी हमने बातें की आपसे, हमने कहा था कि मेहमान भी हम ऐसे ही बुलाएंगे जिनसे हम ये सारी बातें कर सकें। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम शायरी की बात भी कर सकते हैं क्योंकि वो शायर हैं, उनसे हम ड्रामों की बातें कर सकते हैं क्योंकि वो ड्रामा नवीस हैं, उनसे हम एक्टिंग की बात कर सकते हैं वो एक्टर भी थे, हम उनसे स्पोर्ट्स की बात भी कर सकते हैं क्योंकि वो क्रिकेट भी खेलते रहे, खिलाते रहे, बहुत खूबसूरत बॉलिंग करते रहे। उनसे हम बात करेंगे आज के मसाइल पर क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं। आपकी भरपूर तारीफों में तशरीफ लाते हैं हमारी सिंध में पीपल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब ताज हैदर साहब। कैसे मिजाज हैं आपके? खुश आमदीद आपको शरीफ शो में। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए, आपने हमें ये इज्जत बख्शी। और मैं भी आपके बारे में बात कर रहा था, और मैं ये बता रहा था कि एक शख्सियत में इतने बहुत सारे उनके कलर्स हैं। मतलब आपका अपना क्या ख्याल है आपके बारे में कि कौन से फील्ड में आप बिल्कुल फिट हुए जा करके? राइटिंग में तो आपने बहुत ड्रामा लिखे, किताब भी लिखी है आपने, मज़ामीन भी लिखते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, तो खुद को कहाँ पर इजी महसूस करते हैं कि मैं अब सही जगह पर मैं आ गया हूँ? कह नहीं सकते, शायद हर जगह एक तशनगी रहती है। और सियासत से तो आपकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। सियासत से है, और उससे पहले मैथमेटिक्स, फिर शायरी, फिर अदब, फिर हर चीज़ जो है। तो कहाँ से हम सिरा पकड़े हैं आपके लिए? शायरी से शुरू कर लें। शायरी की नहीं, बस पढ़ी है। पढ़ी आप, लिखने का आपका बड़ा रहा, और बड़े अच्छे अच्छे आपने टेलीविजन के ड्रामे लिखे हैं, और आपकी किताब भी आई मेरे मुस्तरद करदा ड्रामे। मेरे मुस्तरद ड्रामे। तो ये ड्रामे कैसे मुस्तरद हुए, कब हुए, किसने किए? वो एक आमरियत का दौर था, तो उसमें जाहिर है कि लिखने पे आमरियत के दौर में इन इंसानों को बड़ा पीसा जाता है, आज़ादी नहीं होती और जबर होता है, आज़ादी नहीं होती, और उसमें बस आराम यही होता है कि आप आमरियत से लड़ते रहते हैं तो ज़िंदा रहते हैं,
और अगर लड़े आप और अगर आप लड़ाई छोड़ देते हैं तो फिर आप खत्म हो जाते हैं। जब आप अपने राइट छोड़ देते हैं तो फिर मामला ठीक हो जाते हैं और नहीं, आप छोड़ नहीं, नहीं, आप मुर्दा हो जाते हैं। हम जबर के दौर में एहतजाज करते हैं, आप बकौल आपके जबर का दौर होता है उसमें एहतजाज करते हैं अपने राइट्स के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने बोलने के लिए। लेकिन क्या बात है कि एक अवामी हुकूमत होती है, अवामी नुमाइंदों की हुकूमत होती है, अवामी उन्हें इलेक्ट करके लाते हैं, फिर अवाम उनके खिलाफ जब सड़कों पे आते हैं, टायर जलाते हैं, बसें जलाते हैं, दुकानें तोड़ते फोड़ते हैं, इस एहतजाज को आप क्या कहेंगे जबकि आमिर नहीं है? देखिए अवामी नुमाइंदे, एक चीज़ होती रही है कि अगर मतलब ईमानदाराना मुनसिफाना इंतखाबात होते रहे वक्फे वक्फे से और लोगों को ये पता रहे कि हाँ हम अगर गैर मुतमईन हैं तो हम अगली दफ़ा दूसरी हुकूमत ला सकते हैं, तो लोगों को अगर ये एतमाद ना हो तो फिर लोगों का एहतजाज जो है ये तशद्दुद का रुख इख्तियार करता है। आपका मतलब कहने का कि जब जब ये इलेक्शन हो तो आवाम को चाहिए कि फिर वो अपने कुछ करें और वोट के जरिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, इलेक्शन फेयर होने चाहिए। अच्छा मुझे बताइए कि क्या ये मौजूदा दौर की जो सियासत इस वक्त हो रही है, ज़िमनी इलेक्शन होते हैं अभी ये हुए हैं पंजाब में हुए, वहाँ पे जब लीडर निकलते हैं और ये बातें करते हैं कि जी ये इलेक्शन में ये इस्तेमाल हुआ है, ये मशीनरी इस्तेमाल हुई है, सरकार इस्तेमाल हुई, पुलिस इस्तेमाल हुई, फलां हुई, ये हुई हुई, इससे आप क्या समझते हैं पब्लिक में अपना सियासतदानों का एक इमेज ख़राब नहीं होता जा रहा है? नहीं देखिए, ये तो इस पर है कि इलेक्शन कमीशन क्या बाख्तियार है, दूसरे ये कि अगर कोई शिकायत करता है तो क्या वो शिकायत सुनी जाती है और क्या उसकी तहकीकात की जाती है। अगर ये मशीनरी अपनी जगह है कि एक आज़ाद और मुनसफाना इलेक्शन कमीशन जिसकी दयानतदारी अबव बोर्ड हो, दूसरे ये कि एक शिकायत वसूल करने का और शिकायत सुनने का तरीका, तो एहतजाज होगा, एतराज़ होगा, लेकिन ये कि फिर जो भी फैसला होगा उसको सब कबूल करेंगे। एक ताइजर जिन्हें मैं जिनसे मैं मिलता रहा हूँ, बड़े आर्टिस्टिक, बड़ा आर्ट और बड़ा अंदाज और बड़ी राइटिंग, वो अब एक सूबे सिंध के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो जो शोल्डर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं वो कितनी डिफरेंट है उस फील्ड से और इस फील्ड में? नहीं अब भी देखें ना, सुबह दो घंटे तो मैं लिख रहा हूँ, दो ढाई घंटे मतलब रूटीन है अभी भी। हाँ मैं अपने पार्क से आके सुबह की एक्सरसाइज करके पार्क से आके मैं अपने कंप्यूटर पे होता हूँ, 10:30 बजे तक मैं लिखता हूँ। मैंने 5 सफ़े लिख लिए तो मेरा सीरियल 2 महीने में हो जाता है। वो लिख लिया आपने? वो हाँ अपने लिख लिया और उसके बाद अपने कोई 11 बजे से सियासी काम शुरू हो जाता है। सियासी एक्सरसाइज कैसी चल रही है आपकी? सियासी एक्सरसाइज जो होती है जी, ये ब्रेन से चलती है इसमें? हाँ बड़ी बात ये है कि आप जब गौर व फिक्र करते हैं, जब आप मशवरा करते हैं लोगों से, तो वो आइडियाज़ आते हैं। और उसके लिए मैं अपने दोस्तों से यही कहता हूँ कि अगर सुबह उठो पार्क में जाओ तो मुझे सारे आइडियाज़ उसी वक्त आते हैं, सुबह मेरी आँख खुली कि अच्छा अब ये करना चाहिए, और उस वक्त जहन इतना तेज़ काम करता है। आप डल कब हो जाते हैं? डल कब होते हैं? असर मगरिब के दरमियान? नहीं असर मगरिब के दरमियान नहीं, ये मगरिब का वक्त जो है वो उदासी का होता है। और पता नहीं ये बच्चों की भी आदत होती है कि अब ये जो सूरज डूबने का वक्त है और उदासी का होता है, उदासी है, डिप्रेशन आता है। हाँ, बस अब उस दिन मुझे खालिद ने शेर सुनाया और बड़ा मीर साहब का, दिल से खुशी गई तो ना आई तमाम उम्र, दिल से खुशी गई तो ना आई तमाम उम्र, गम सुबह को गया तो सरे शाम आ गया। हाय हाय हाय, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। गम सुबह को गया तो सरे शाम आ गया, ये मुझे बिल्कुल, और इतना इस शेर ने मुझे घेरा। और ये जो आपने जिस तरीके से दाद दी और जिस तरीके से महसूस किया, मैं जिसको ये शेर सुनाता हूँ इसी तरीके से, इसका असर है, एक असर है, क्योंकि ये नेचुरल बात है। अच्छा, और ये मुझ पर गुजरती है कि शाम के वक्त मैं उदास हो जाता हूँ, शाम के वक्त सुबह रात तक ठीक हो जाते हैं। हाँ, फिर ये कि अपने थोड़ा सा देख लिया, ज़रा सा कुछ मुतालिया कर लिया, कुछ ये कर लिया, ठीक। लेकिन वो शाम का जो एक आधा घंटा पौन घंटा है वो उदासी का होता है। पता नहीं क्या, सूरज डूबने तक का मंजर, पता नहीं। वाह, नहीं मैं सूरज अगर ज़ाहिर है समंदर के किनारे तो आप देख सकते हैं, घर में तो, या बाहर कहीं किसी मीटिंग में है या क्या, लेकिन कुछ क्लॉक ऐसी बनी हुई है। और ये जब मैंने खालिद ने शेर सुनाया मुझे कि देखें मीर साहब का शेर है, आपको सूरज को डूबता हुआ देखते हैं
तो उदासी हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन इसी को शायर किसी और तरह कहता है कि जहाँ में अहले ईमां सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इसमें तो एक डूबने का निकलने का अमल भी तो है, तो सूरत से डूबते निकलना भी तो है। हाँ, लेकिन निकलना निकलना है और डूबना डूबना है। लेकिन वो तो लमात की बात है। मगर बहरहाल कोई भी चीज़ डूब रही होती है, चाहे वो नब्ज हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो इख्तदार हो, चाहे वो उरूज हो, तो आदमी को ज़रूर असरअंदाज होता है डूबना। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ ब्रेक नहीं लिया तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। डूबना अच्छी बात नहीं है, हम अपनी रकम नहीं डूबोना चाहते, इसलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और जहाँ में अहले ईमां सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, बस हम अभी डूबे और अभी निकले। जाइएगा कहीं मत, अभी आते हैं आप। मैं समझता हूँ कि मैंने इन्हें जवानी में भी देखा, तब भी आप ऐसे ही थे जवानी में। आप में एक सीरियस आदमी में हमेशा से एक ऐसे ही संजीदगी आपकी। उमर, मतलब ये कि समझिए, आदमी ज़हनी तौर पे बढ़ता जाता है, उसकी शऊर बढ़ता जाता है, हाथ पैर जवाब देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें। मैंने एतज़ाज़ अहसन से एक दफ़ा यही कहा कि जब इश्क करने का सलीका आया तो हाथ पैर जवाब देने लगे। एतज़ाज़ ने निपटा लिया मुझे, कहने लगे क्या कह रहा है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। नहीं, मतलब ये तो एक चीज़ होती है कि इंसान को सलीका आता जाता है, समझ आती जाती है, लेकिन फिर वो अब अनासिर में एतदाल कहाँ। ये आप ही की बात को मेरे एक दोस्त ने अपने तरीके से कहा, कह लगे यार देखो कैसी अजीब बात है, उनके दांत में सारे टूट गए थे, कह लगे यार देखो कैसी अजीब बात है, जब पैसे आए तो गोश्त खाने के तो दांत नहीं रहे। आपका अपना बचपन कैसे गुजरा है, क्या कोई ये सीरियस इंसान जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इतना जो आपने भी कहा मुझे लोग मुदब्बर हो रही है, तो शरारतें बचपन में रही होंगी आपकी भी? हाँ, खेल में लगे रहते थे अपने। ओके, वो जो आपका स्टाइल है। हाँ, क्रिकेट वगैरह खेलता था। फिर मैंने पढ़ के नहीं दिया कभी। पढ़े नहीं, तो आपका तो घराना ही सारा पढ़े लिखो। हाँ, लेकिन नहीं नहीं वो मुझे भी लोग पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी मैं अगर उधर तवज्जो देता पढ़ाई की तरफ, यानी मैंने कभी होमवर्क नहीं किया, और मैं समझता था कि मुझे हर चीज़ आती है। सर आप तो ऐसे MA को भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़ा, और नहीं, नहीं, लोगों की यहाँ डिग्रियाँ जाली निकल रही हैं, उनको वो अपने आप को पढ़ा लिखा। लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन MSc के लेवल पे आदमी को जाके कुछ मजमून का शऊर पैदा होता है। जी जी। और उसे कुछ ये अंदाज़ा होता है कि हाँ क्या पढ़ना चाहिए। यानी MSc को मैं कहता हूँ कि एक प्रिपरेटरी लेवल है, कि वो सतह है कि जहाँ आदमी समझता है कि अच्छा अब हम कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। लोग उस वक्त पढ़ना बंद कर देते हैं जब उनको ये शऊर आता है कि अब हम क्या करें, क्या करें, क्या पढ़ना चाहिए। पहले तो आप कोर्स की किताबें पढ़ते हैं ना, जो किताब आपके हाथ आपको दे दी जाती है वो आप पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ते हैं आप, लेकिन वहाँ पे जाके फिर आपको ये होता है कि अच्छा कि अब मैं कौन सी किताब लूँ, अब कौन सी किताब लूँ, किस फील्ड में जाऊँ, और फिर जो नहीं मालूम उसको कैसे खुद मालूम करूँ। सही। तो वहाँ यानी मुदर्रिस ख़त्म हो जाता है और अब तालिब इल्म जो है। मैंने एक सेंस ऑफ वंडर की बात की थी कि इस्तेजाब, दूसरी चीज़ और क्वेश्चन कि हाँ अल इल्मो बिस सवाल, के आदमी सवाल करता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि डिनाई करे कि नहीं ये जो बात बताई जा रही है इसमें सही है या गलत है, आर्गुमेंट हो। हाँ, तीसरी चीज़ ये कि तलाश हो और आदमी कहे कि नहीं। देखिए, एक दुनिया है और एक चीज़ है कि जो आपके सामने है रियलिटी, एक है पॉसिबिलिटी, मुमकिनात की एक दुनिया है। राइट, रियलिटी और पॉसिबिलिटी। मेरे बाबा साहब का जो इंतकाल हुआ उस पर जिसमें नहीं कहा कि शेर एक नए उसमें खुलता है, तो गालिब का शेर आया कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, क्या होता। तो बाबा हमारे एक चीज़ है सामने के, उसको भी इसको ऐसे करके देखो, अगर इसके बजाय हम यूं कर दें तो कैसा रहे। तो ये चीज़ जो है ना कि मुमकिनात को आदमी फिर देखता है, तलाश करता है, मुमकिनात को तलाश करता है कि इसको यूं किया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है। यस, राइट, ये होना चाहिए। अच्छा, और
मैं ये कहता हूँ कि जो हकीकत की दुनिया है, जो निगाहों के सामने है, उसमें बाउंड्रीज हैं, मुमकिनात की बाउंड्रीज नहीं है, मुमकिनात की हद नहीं है, हद नहीं है, वो मुमकिनात लामताना ही है। तो जिस वक्त आप इस हकीकत की दुनिया से मुमकिनात की दुनिया में जाते हैं तो नए उफक आपके सामने वाह होते हैं, सही, और नए रास्ते आपको नज़र आने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि एक मंजिल ऐसी आती है कि जब आदमी मुमकिनात पे जाता है और इन चीज़ों से कहते हैं हाँ ये तो है, सबको पता है कि ये है, क्या नहीं है उसको किया जाए। बहुत ही गुफ्तगू आपकी इतनी, मतलब यानी कि गुफ्तगू के अंदर इतने मैसेजेस हैं और इतनी इन्फॉर्मेटिंग है आपकी बातें कि अगर इसमें आदमी ढूंढे तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। वो आप इसको क्या कहेंगे जो हमारी क्रिकेट के अंदर जो एक बहुत बड़ा एक वो आया है, एक जिसे कहते हैं, मैं तो इसको बहुत बड़ी ट्रेजेडी कहता हूँ कि इतने अच्छी टीम होने के बावजूद हम किस वजह से हम यहाँ आ गए हैं। आप तो एक प्लेयर भी हैं, समझते भी हैं इस चीज़। नहीं, टेक्निक गलत है, टेक्निक गलत है। देखिए आप यहाँ पे हैं और जाहिर है कि आपने एक कमाल हासिल किया है फ़न के अंदर, टेक्निक के बगैर तो ये नहीं है कि आवाज़ कैसी रखनी है जी, क्या सही है क्या गलत है, फुटवर्क आपका क्या है, कैमरे को किस तरह, ये एक टेक्निक पूरी होती है जी। लाख आपके अंदर टैलेंट हो लेकिन ये कि कोई उस्ताद आपको बताता है, हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को देखना पड़ता है। हमें इत्तेफाक से हमारे टीममेट जो थे, मोहल्ले की जो टीम थी, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, ये लोग हनी भाई हमारे उस्ताद थे, बड़े थे, तो उनके घर के सामने ही ग्राउंड था। यानी हनी भाई की वालदा हमें ऊपर से डांट देती थी कि क्रॉस बैट क्यों खेल रहे हो, अरे या पूरा फॉरवर्ड क्यों नहीं खेल रहे। वाह, ये वाह। ये जो टेक्निक है, आज जब मैं पाकिस्तान के ओपनर्स को क्रॉस बैट क्यों बल्ला डालते हुए देखता हूँ और वो भी इतने आहिस्ता से डालते हैं जैसे तो कैच हो जाता है, हाँ कि भाई अगर क्रॉस बैट हो ही गया तो इतने ज़ोर से मारो कि वो पकड़ना सके, गली में ना जाए बल्कि कवर के अंदर जाए। तो ये चीज़ जो है, ये टेक्निक ना होना, ये बड़ी, या सीधी सी बात कि हमें जो 8-9 साल की उम्र में बताया था कि गेंद पे नज़र रखो जब हाथ में कैच पकड़ो या जहाँ भी हो, गेंद पे नज़र होनी चाहिए आई ऑन द बॉल। ये मैं देखता हूँ कि जी इनका नज़रें वहाँ होती हैं और हाथ पे होती नहीं और इसलिए कैच ड्रॉप होते हैं। ये जो कैच ड्रॉप हो रहे हैं और आप पूरी पूरी सीरीज आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक बात है कि ये फोकस नहीं, फोकस नहीं कि वो गेंद जब हाथ में आती है तो नज़रें नहीं होती हैं गेंद, हमारी नज़रें वहीं होती हैं और तब भी वही। ये सीधी सी टेक्निक जो 8-9 साल की उम्र में हनी भाई ने गुजरते हुए बताती थी, भाई किधर देख रहे हो, ये देखो हाथ में, अब उसमें अगर इधर उधर गेंद जाती भी है तो आप फिर पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आपकी नज़र वहाँ पर नहीं है, और ये अब टेस्ट लेवल पर हो रहा है, हमारे विकेट कीपर यूँ देखते हैं और कैच ड्रॉप हो जाता है, जो कैच दूर आता है वो पकड़ लेते हैं क्योंकि नज़र उस पर होती है, जो कैच करीब आता है वो नहीं पकड़, निकल जाता है। ये सीधी सी बात है, पता नहीं क्यों हमारे मतलब हम लोग टेक्निक की वजह से हार रहे हैं, आपका ख्याल? नहीं, टेक्निक है ही नहीं। तो टेक्निक के लिए तो ये कोचिज और ये सारे लोग रखे जाते हैं, ये क्या करते हैं फिर? देखिए ना, उस लेवल पे तो कोचिंग नहीं होती ना, टेस्ट लेवल पे। हाँ, टेस्ट लेवल पे तो पक्का हो गया, अगर ये गलती उसकी पक्की होगी तो आप उसको क्या ठीक करेंगे। ये तो स्कूल के लेवल पे, जैसे मैंने कहा कि 8-9 साल की उम्र में हनी भाई ने गुजरते हैं बताया कि ये क्या कर रहे हो यार, उसको देखो बॉल को हाथ में, तो अब वही आदत आपको पड़ जाती है अगर, तो ये हमारी जो नीचे का लेवल है स्कूलों का और उसका, वहाँ पे कोच को बताने की ज़रूरत है कि देखो टेक्निक ये होती है, बल्ला ऐसे सीधा होता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन इतनी छोटी उम्र से तो अब आते भी नहीं है, जवान जवान आते हैं, इतने बड़े बड़े सिफारिशों से आ जाते हैं, खेल के आए, 2-4 मैच खेला आ गए। नहीं, वो फुटपाथों पर खेल खेल के, वो कोई बाकायदा क्लब जो होते थे और क्लब में एक बड़ा होता था जो पुराना क्लब से खेलते हुए आ रहे हैं, वो एक ट्रेनिंग हो जाती थी, और वो क्लब के अंदर, वो जहाँ भी कोई खाली जगह होती थी वहाँ पे बच्चे जो थे, आपने देखा होगा कि वो अपना बना के, और वहाँ कोई बुजुर्ग होता था बड़ा क्रिकेटर, वो उन्हें बताता रहता था कि इसको यूँ करो, ये खेलो, तो टेक्निक वो सही हो जाती थी। ठीक बात। अब तो हर एक उस्ताद है, अब तो सब उस्ताद ही बन के आते हैं। और मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की टीम में, जाहिर है ये मेरा मकाम नहीं, टेस्ट क्रिकेटर्स हैं इतने बड़े बड़े, लेकिन गेंद पे नज़र रखें तो कैच क्यों ड्रॉप हो? गेंद पे नज़र रखें, गेंद को खाएं मत, इस पे नज़र रखें।
नजर जरूर रखें आप, लेकिन जहां से ऊपर से आ रही नजर रखें, हाथों में आए तो हाथों में, ये फरमा रहे हैं हनीफ मोहम्मद साहब की ट्रेनिंग के बारे में ताजर साहब। आप भी याद रखें, नजर रखें कैमरे की तरफ जहां से इशारा हो रहा है ब्रेक, हम ये कैच मिस नहीं होने देंगे, पकड़ लेंगे इसको और कर लेंगे कैच इस बात को कि ब्रेक लेना है, क्योंकि हमें टाइम को आउट करना है, टाइम आउट करने के लिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आते हैं वापस, फिर गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं एक नए मेहमान के साथ। जाइएगा कहीं, में तुम्हारा इंतजार कीजिएगा, विल राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि नजर रखनी चाहिए, नजर हटी तो काम खराब हो जाएगा। मतलब आप अपने काम पे भी नजर रखें और दूसरे पर भी नजर रखें कि वो क्या कर रहा है और उसने क्या किया है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी एक कमजोरी है जिसकी निशानदेही हुई। नजर रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, नजर रखनी चाहिए कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, नजर रखनी चाहिए कि इस फील्ड में शोबिज में क्या हमारे कोई ऐसा टैलेंट आया है जिसने हमें चौंकाया है, या कोई ऐसा फनकार आया है जिसने पब्लिक को अपने पीछे लगा लिया है। ऐसे लोग, इतने टैलेंटेड लोग जो आते हैं छा जाते हैं, वो बला के कमाल लोग होते हैं। और ऐसी बाकमाल फनकारा जिनको मैंने जब भी टेलीविजन पे देखा है, मैंने हमेशा कहा है कि बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत डूब के अदाकारी करने, और वो इतनी पॉपुलर है, जब हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे तो यकीनन आपका रिस्पॉन्स से पता लग जाएगा। मैं चाहूँगा कि एक बड़ी वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी, और उन्होंने साबित किया। ख्वातिन हज़रात, हमारे आज के शरीफ शो में हमारी दूसरी मेहमान आपकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाएंगी, मोहतरमा हिना दिलपसीर। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आदाब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। खुशामदीद आपको शरीफ शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खुशी हुई आपको मुझे देख करके, यकीन कीजिए। आपको हुई जी? बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा हुई आपको? बेअंदाजा। अंदाजा ही नहीं, देखिए क्या खुशी हो रही है। और आपकी खूबियों के बारे में मैं लोगों को अब बताना चाहता हूँ आपके सामने। राइटर भी है माशाल्लाह आप जी, शायरा भी है। बाकायदा तो नहीं कहती, बेकायदा सी शायरा है। बेकायदा टाइप की, कायदा मैंने पढ़ा था इसलिए शायरी की। और मिजाजन अदाकारा, एक कूट कूट के आप में आर्ट है, और मिमिक्री बहुत अच्छी करती है मुझे जो आपके बारे में, और मैंने आपको देखा है और बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में आपको करते हुए देखा, काम बहुत अच्छा काम करती हैं आप। क्या इतनी शहरत के बाद इतनी कितनी एहतियात चाहिए होती है एक फनकार को एक मुकाम पे आने के बाद, छा जाने के बाद? अगर शोहरत से लातालुक़ हो जाएं तो फिर एहतियात की ज़रूरत नहीं पड़ती। लातालुक़ हो जाएं, मतलब आपका कहना है कि अपने आप को इतना सोचना शुरू कर दें कि मैं कुछ नहीं हूँ? तो नहीं, अपने काम को फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है। वो शोहरत कितनी मिलती है या नहीं मिलती, वो हमारे हाथ की बात नहीं होती। आपको उसमें सोचना नहीं है? तो फिर पैसे कैसे बढ़ाते जाते हैं आर्टिस्ट, किस बात का? किसी बताए मुझे, तो एक सवाल है ऐसे। अगर वो ये नहीं सोच रहा है कि वो क्या बन गया है तो पैसे किस बात के बढ़ा रहा है हर एपिसोड? पेट्रोल महंगा होता है तो पैसे बढ़ा। अच्छा, पेट्रोल का महंगाई का एहसास उसको उसी वक्त होता है? जी जी। इससे पहले वो सही आ रहा होता वैगनों में? पहले तो पैसे ही नहीं आ रहे होते। पैसे ही नहीं आ रहे होते, लेकिन एक पैसा भी तो एक जरूरत है, इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत जरूरी चीज है, मगर सब कुछ नहीं होता। सब कुछ है आज के दौर में? नहीं, सब कुछ नहीं होता। आप पैसे भी दे रही हैं लेकिन आपके घर बिजली नहीं आ रही है। मेरा दिल बड़ा कमजोर है, इस मौजू पे ना बात करें। क्या बहुत लाइट जाती है आपके मोहल्ले में? बहुत लाइट जाती है जी, बहुत कभी कभी आती है। शुक्र है आपके यहाँ कभी कभी आ जाती है। हाँ। हम तो खत लिख लिख के पागल हो गए, नहीं आ रही। आ ही नहीं रही हमारे यहाँ। आप भी मेरे ख्याल अभी अंधेरे में मेकअप, अंदाजे का मेकअप है मेरा ये अंदाजे का। अंधेरे में आप कर लेती हैं अंधेरे में प्रॉपर मेकअप? जी, अब तो तीर निशाने पे बैठता है। अच्छा, अंधेरे में, अंधेरे का तीर, अंधेरे का तीर है ये। अच्छा, अपना दफाक से 5 महीने से ताज हज़र साहब ही देख रहे हैं बिजली के मसाइल को जो सिंध में है। एक कोऑर्डिनेशन है इनका जिसमें,
तो जरा सा पूछ ही लेते हैं तारवे जी, तारवे क्या ये जो अपना लोड शेडिंग है कब तक हम इसमें से निकल जाएंगे इंशाल्लाह? देखिए इस वक्त दो वजूहात से हो रही थी, एक तो पैदावारी गुंजाइश नहीं थी, दूसरे ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था इसमें लॉसेस बहुत थे। ठीक। तो अब पिछले साल डेढ़ साल के अंदर बिन कासिम बिजली घर जो है उसको बिल्कुल ओवरहॉल किया गया है और अब वो 1100 मेगावाट दे सकता है। 220 मेगावाट की नई पावर प्लांट लगाई गई है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कोई 150 के करीब नए फीडर, 500 PMT, 13 नए ग्रिड स्टेशन, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये कि हमें ये फैसला करना है कि हम रातों को देर तक मार्केट खोले रखें या घरों पे लोड शेडिंग करें, और ये घरों पे जो तकलीफ रात के 2 घंटे में हो रही है इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है अगर हम दुकानें रात के 8 बजे। मार्केट के लोग कहते हैं हमारी दुकानें ही जो है ना वो 2 बजे खुलती हैं, कस्टमर जो हैं वो मगरिब के बाद आने शुरू। ये आदतें हमें बदलनी पड़ेंगी, महजब हमें होना पड़ेगा, मतलब ये तो कस्टमर को ही बदलना पड़ेगा। अब जो शादियां हमारी 12 बजे बंद हुई हैं शादी हॉल, तो इसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोग अपने नहीं, वो तो वाकई में बहुत 4 बजे 5 बजे वो तो दूल्हा उठ के भाग गए बारात में। कसम से मेरे एक दोस्त की शादी हुई, दूल्हा ही चला गया, कहता जी तुसी रखो है कुड़ी मैं कल आ गया। बड़े मजे की बात मुझे याद आ रही है एक शेर कि इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, अब बिजली नहीं आनी चाहिए। और आप कहते हैं बिजली आनी नहीं चाहिए? नहीं, बहुत गारों का जमाना, वो मोमबत्तियां मशाले रोशन है? नहीं, बिजली तो 100 साल की कहानी है, इससे पहले तो। लेकिन जल्दी सो जाते हैं अब जाहिर है, और फिर जल्दी तो नहीं सो रहे। नहीं, अगर जाग भी रहे हैं तो वो एक सोने और जागने की कैफियत बीच की रहती है, तो इंसान में टॉलरेंस पैदा हो गया। हम मतलब एक घबरा के जो नींद में आँख खुलती है अल्लाह, या कोई मच्छर आके उठा देता है, उठो भाई लोड शेडिंग हो रही है। अब तो मच्छर भी इतने चलाक हो गए, बत्ती आती है तो वो भी आते हैं। हाँ। मच्छरों को ऐनक लग गए अंधेरे में देख देख, परेशान हो गए। मेरा ख्याल है आप सही कह रही हैं, अब लाइट नहीं आनी चाहिए। अब लाइट नहीं आनी, अब यही जितना है हमारे पास इसी में गुजर रहा है। और क्या, इतनी अच्छी गुजर रही है ना, अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। तो आप अपनी, सबसे पहले तो मुझे आपके नाम को, मैं काफी दिन तक याद करता रहा, चढ़ाता रहा जबान पे कि ये नाम क्या है, हिना दिल पजीर। दिल पजीर तो उसको कहते हैं ना जो दिल में रहे, मुसलसल दिल को भाता हुआ, मुसलसल दिल को भाता हुआ, दिल हिना, को करता हुआ, मुसलसल दिल को भाती हुई हिना जी। वाह, हिना मेहंदी को गया। आदाब जी, आदाब। पहला ब्रेक कहाँ से मिला आपको? बंस रोड की नीलोफर। बंस रोड की नीलोफर, यार मैंने देखा वो, ये थी ना उसमें माँ बनी हुई थी खान और मज़हर मुईन का मैं शुक्रिया ऑन एयर अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट किया कि जब वो मुझे जानते भी नहीं थे कि मैं क्या कर सकती हूँ, तब उन्होंने मुझे इतना बड़ा कैरेक्टर दिया और उसमें मुझे कारा फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला उस प्ले पे। वेरी गुड, अच्छी बात। तो आपकी पहचान बन गई बंस रोड की नीलोफर। एक मैंने आपका ड्रामा देखा था जिसमें आपने एक बड़ी मशहूर एंकर हैं, कुकिंग शो करती हैं जी जी, उनका क्या नाम है, राहत दिल पजीर? नहीं। उनका क्या नाम है? उनका नाम राहत है, शेफ राहत है वो। शेफ राहत जो, उनकी आपने कॉपी की, बहुत प्यारी। तो उनको, वो आपको पसंद है? जी, मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे अगर वो यहाँ बैठी हो मुझसे कैसे बात करेगी वो? ये तो आप इम्तिहान में डाल रहे हैं। नहीं, बताए बताए चले थे, बात करते हैं। में डाल रहे हैं। हम आपको इस शो में राहत, शेफ राहत को खुदा खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जब ही तो आपने मुझे बुलाया है इसलिए आपका शो यहाँ से वहाँ चला गया है और ये डन डनाडन हो गया है। डन डनाडन। अच्छा, और किन किन लोगों को कॉपी कर लेती है, सही बताया, मैं सलाहियत आप बहुत। मैं आप बताऊं आपको कि मैं इस तरह नहीं कॉपी कर सकती, कोई साथ में काम कर रहा हो तो उसको ऑब्जर्व करते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल वैसी उसी तरह बोलना शुरू कर दिया। आपकी शबाहत भी कुछ है, मुशाहबत भी है आप में, शबनम। आपको कहा कभी किसी ने शबनम? बहुत सारे लोगों ने।
मुझे हमेशा से लोग बचपन से कहते हैं रोबन घोष रोबन घोष। तो आप एक शबनम है, शबनम बहुत हसीन नाम है, कि शबनम एक अलामत है ताजगी की, शबनम एक अलामत है एक राबते की, कि वो हमेशा शबनम जो है वो आती है और अपनी अपनी जगहों पर जहाँ उसको होता है वो वहाँ टपक जाती है। तो आप इस शो में टपक गए एक शबनम, इंडस्ट्री में भी टपकी एक शबनम, और मोहम्मद अली के साथ उनके बहुत कुछ रहा, तो ऐसा कहीं हो सकता है कि आप शबनम और मैं मोहम्मद अली? बिल्कुल हो सकता है। जरा आपसे आपकी तरह से मिला जाए तो अच्छा है ना? बिल्कुल तो हो जाए। हो जाए। आप शुरू करेंगे मैं शुरू करूं? नहीं आप शुरू कीजिए, बड़े हमेशा शुरू करें। ये भी गलत कह दिया आपने, फिर तो सबसे बड़े यही हैं। अच्छा ताज हैदर साहब और अनवर मकसूद साहब जी दो ऐसे आदमी हैं जिन्हें शुरू से मैं बुजुर्ग समझता हूँ। कसम से मैं बुजुर्ग ही समझता हूँ। अच्छा। बल्कि मैंने तो सुना अनवर मकसूद साहब छोटे से थे तो वालदा कहती थी अनवर भाई सलाम अलैकुम। किसी ने बताया ये बात, मतलब बुजुर्ग मतलब एक ये लोग वो है जो बुजुर्ग ही लेकर ही पैदा हुए। हाँ, वो उम्रों की ज्यादती पर नहीं होता बुजुर्गी का मायार, किसी को उम्र के पहले हिस्से में भी मिल जाती है तो उनमें से ये है। और एक दिन अनवर मकसूद साहब सफेद बाल सफेद मूछें और काला कुर्ता शलवार, मैंने कहा अनवर भाई कितनी अजीब बात है, कितनी ट्रेजेडी है, आप इस जदीद दौर में कलर टेलीविजन के दौर में भी आप ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं। तो हो जाए फिर शबनम मोहम्मद अली। हाँ कहाँ से शुरू करेगी बता तो। चल तो फिर शुरू करते हैं। शब्बो तू मेरी जिंदगी का प्यार बढ़कर अगर मेरी दुनिया से वापस चली गई शब्बो, मैं अधरों में डूब जाऊंगा, मैं अधरों में डूबना नहीं चाहता शब्बो, मुझे डूबने से बचा लो, मुझे डूबने से बचा लो शब्बो। झूठ मत बोलो हेडियट। तुमने ठीक कहा मिसिज इडियट। तो शबनम को रोए ना जो भाभी की तरह जिंदगी पे तुमसे इतना प्यार करती रह जाऊं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं बार्चों की। एक उनकी फिल्म का डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये गधा किसका है? मैडम ये गधा नहीं है घोड़ा, ये तो हम भी देख रहे हैं हेडियट। बहुत अच्छी अदाकारा रही हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, इतनी अच्छी आर्टिस्ट नहीं मिल सकती। ये वो लड़कियां थीं ज़ेबा भाभी शमीमा रबा जी शबनम भाभी, ये वो नैयर भाभी सबिया भाभी, ये वो आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने बगैर या बाबरा शरीफ उन्होंने बगैर रक्स के और बगैर किसी और चीज का सहारा लिए बगैर अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना बिल्कुल अपने आप को मनवाया और राज किया। राज किया वाकई शबनम भाभी ने और इन लोगों ने बड़े बड़े हसीन रोल किए। बहुत खूबसूरत और गाने कितने अच्छे होते थे, गाने कितने प्यारे होते थे, वहीं बैठे हुए प्यार भरे दो शर्मिले वो आंखें झपकी जा रही अच्छे गाने होते बहुत प्यारे मेलोडी बहुत खूबसूरत। आपको गानों का शायरी का भी शौक है ना, कौन से शायर आपको बहुत पसंद है? इतना सोचा इसका मतलब है कोई नहीं है। नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छे शोरा हमारे जो असातिज़ा में हैं वो भी और जो अब हम में मौजूद नहीं है बहुत खूबसूरत शायरी की। आप याद कर रही हैं नाम ये नहीं, सारी बातें कर रही हैं नहीं, नहीं मैं याद नहीं कर रही। खुदा की कसम मेरा तो इतना तजर्बा है ये जो आप कर रही हैं ना हमारे बहुत से शोरा हमारे बहुत से ये अब आप सोच रही किसका नाम लूँ। आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से शायरी के हवाले से ये बात कहना चाहती थी कि जितनी प्रोजेक्शन जितनी पहले शायरी लोगों की आई और अब तक आम है, जो अब शायरी हो रही है और बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं लोग, मगर वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है, अब वो उनकी शायरी सामने नहीं आ रही तो वो एक बाब ख़त्म होता नज़र आता है। नहीं नहीं मैंने तो आपसे पूछा कौन सा शायर पसंद है आपको। मुझे परवीन शाकिर फैज़ साहब गालिब बहुत
उमदा, उनकी बात ही क्या है। और बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं। मोहसिन भोपाली ने बहुत अच्छी गज़ल उनकी मैं पढ़ी थी, इफ्तिखार आरिफ साहब, उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है, बहुत फैसिनेट करती है। और बहुत है नाम जो कौन है, बहुत सारे हैं, अब इस ज़िंदगी गुजर जाएगी मगर शायरों के नाम नहीं ख़त्म होंगे ही। सही है, बताइए क्या ये मुमकिन है कि हम एक ऐसी आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही फितरतन नहीं, आप जो है बड़ी स्पॉन्टेनियस है, बहुत ज़्यादा आप में एक है चीज़ जो मैंने महसूस किया, तो क्या आप इन सारे करेक्टरों से हटके कभी आएंगी सीरियसली संजीदगी से जो ताजदर साहब के लिखे हुए को ड्रामे को आप करें? यकीनन मैंने सीरियस ड्रामे किए हैं और आपको पता है जब आप इस बात से खुद बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जो लोग लोगों को बहुत अच्छी तरह हंसाना जानते हैं वो अपने अंदर कहीं बहुत संजीदा भी होते हैं। तो यकीनन मैंने किए हैं बहुत सीरियस और करेंगी और यकीनन करूंगी। और आप करेंगी इंशाल्लाह? आप बाज नहीं आएंगी? मैं बिल्कुल बाज नहीं आऊंगी। ये आप आए नहीं ना तो फिर मैं भी नहीं। मेरे पीछे भी जा रही हैं आप? हम तो फॉलो करते हैं उन लोगों को जो जिनके जिनसे हम सीखते हैं। Are you sure? Yes, positive. एक्टिंग को पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझती है? को हमारे पास तो स्कूल्स नहीं, कोई एकेडमी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। नहीं, हमारे पास रह दे कि हमारे पास जो हैं हमारे सीनियर्स हैं जो हमारे लिए एकेडमी का रखते हैं या जिनके साथ हम अपने कुलीग्स के साथ काम करते हैं उनसे सीख लेते हैं। तो किसको ऐसा समझती है कि जिनके साथ काम कर रही हूँ तो आपकी एक ट्रेनिंग भी हो रही है और आप कर भी रही हैं काम? देखिए मैंने तो बहुत जब से मैं आई टीवी पे, और मुझे बहुत, मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत अच्छे और नामवर लोगों के साथ और बहुत जिनको हम एकेडमी कह सकते हैं, और मैंने सबसे सीखा है। जैसे मैंने सबसे पहला जो मुझे मिला वो उसमें आबिद अली साहब, मतलब मैं यकीन कीजिए कि उस वक्त मेरे अंदर तितामी थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मुझे इतना बड़ा रोल मिला। फिर तलत हुसैन साहब हैं, उज़्मा आपा के साथ मुझे काम करने का बहुत शौक है क्योंकि वो मेरी बहुत ही पसंदीदा आर्टिस्ट हैं। और आपके साथ काम करने का बहुत शौक है इनको, प्लीज इनको कहीं अपने साथ काम कराइए। ये सीखने की तमन्ना रखती हैं जो कि अब चीज खत्म होती जा रही है, इनके दिल में अब भी अपने सीनियर्स के लिए इतनी इज्जत है, गुंजाइश है कि आपसे सीखना चाहती है, इन्हें प्लीज कुछ सिखाएं। हमने तो भाई कह भी दिया उन्हें, बिल्कुल बहुत अच्छा किया। एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये पढ़ा जाए, फन अदाकारी पे इतनी किताबें मौजूद हैं। मैं जिस ज़माने में रेगुलर काम कर रहा था तो कोई 150 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में, लाइटिंग पे, साउंड पे, कैमरा वर्क पे, अदाकारी पे, स्क्रिप्ट के ऊपर, एडिटिंग के ऊपर, ये बहुत बड़े बड़े शोबे हैं और इनको। लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही किताब पढ़ी जा रही है, खुशामद की किताब, उसको रट्टा मार के जाते हैं लोग, लेकिन फ़ायदा नहीं होता ना। फायदा नहीं होता क्योंकि ओरिजिनल चीज़ तो आ जाती है सामने। अब ये देखिए ना, माशरे में एक तजाद है और वो तजाद अपनी ज़ात के अंदर होता है, और उस तजाद को अगर आप अदाकारी में दिखा सकते हैं। थिएटर भी किया आपने? जी मैंने थिएटर किया है। किस किस्म का थिएटर किया है, कौन सी उसमें किया थिएटर, कमर्शियल थिएटर किया या आर्ट किया? नहीं, आर्ट थिएटर किया, दुबई में किया मैंने थिएटर। अच्छा। और एक थिएटर ग्रुप था प्रतिबिंब के नाम से, वो इंडियंस का था, और उनके वहाँ से मैंने प्लेटफॉर्म से अच्छे थिएटर किए, और यहाँ मैंने शीमा के साथ किया, फिर शाहिद शिफात के साथ किया। थिएटर बहुत किया जी, उससे आपका ये जो फुटवर्क होता है बड़ा अच्छा हो जाता है, समझ जाता है आपका, बैलेंस हो जाता है, आपके अंदर एक मजबूती आती है। थिएटर करना चाहिए। मैं बेसिकली तो एक थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी थिएटर ही किया, और अभी भी मैं ज़्यादा वक्त थिएटर को देता हूँ। थिएटर मैंने बनाए भी, बहुत सारे हॉल ऑडिटोरियम्स बनाए और बहुत थिएटर किया, बल्कि पहली मरतबा थिएटर को वीडियो में डाल के पूरी दुनिया में भी लेके गए, भी हमने किया था। तो मैं, मेरी नज़र में भी थिएटर का आर्टिस्ट एक बड़ा ऑथेंटिक होता है, वो जब खड़ा होता है तो उसकी आवाज, क्योंकि एक लाउडिज्म है तो तमाम जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी बन जाती है, और उसमें फिर रीटेक्स नहीं होते, तीन घंटे की ओके टेक होती है। नहीं आप तो खुद सीन बना के वहीं पे डायलॉग अपने डायलॉग बीच में हूँ, मैंने कहीं आपका जो काम देखा है तो वही बीच में कर लेते थे। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह बड़ा, अल्लाह ने बड़ा करम किया। एक दफा तो चाय वाला आ गया था कि सीन खत्म करें, सीन इतना लंबा हो रहा था, हमारा ड्रामा चलता था, हम कर रहे वो आ जाता कैंटीन वाला कि भाई ने इंटरवेल करें, मेरे तो पेटीज बीमार हो, दाग वास्ता मुझको को करम करें।
तो हम करते थे और हम इन बातों को बड़ा इशारे समझ जाते थे। इशारों में अगर आपने सीख लिया ना कि इशारा, अब जैसे एक इशारा मैं देख रहा हूँ, मुझे एक शख्स इशारे कर रहा है, अच्छा, और बार बार मुझे कह रहा है, यानी कि ब्रेक लीजिए दीजिए हमसे लीजिए, तो आप कर देना ब्रेक, उसमें क्या है, चले एक ब्रेक आपके नाम लीजिए ब्रेक। थैंक यू सो मच, ले ब्रेक। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपकी ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आए हैं फिर अपने जगह पर जहाँ हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा हिना दिलपजीर और जनाब ताज हैदर साहब, और गुफ्तगू इस बात पर हो रही थी कि क्या हमें हमारे यहाँ टैलेंट को, जो ये बात ये हो रही थी कि टैलेंट जो है वो हमारे यहाँ कोई एकेडमीज नहीं है, हमारे यहाँ कोई इदारे नहीं है। इसके लिए एक मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जितने चैनल्स हैं जो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो कुछ लोगों की टीम रखें अपने पास, और जो आर्टिस्ट हैं जो नई एक्टिंग करना चाहते हैं, जो अपने आप को आजमाना चाहते हैं, उनसे बात करें, उन्हें बताएं, ये बहुत ही सेंसिटिव काम है। एक्टिंग के सारे फील्ड में, मतलब जैसे डायरेक्शन है और मिसाल के तौर पे लाइट है, या आपकी कैमरा मोमेंट है, या एडिटिंग है, या म्यूजिक भी इसकी एक वो है, तो म्यूजिक में कहाँ तक आपकी दिलचस्पी है? म्यूजिक बहुत दिलचस्पी है मुझे म्यूजिक से, और मुझे लगता है जैसे पूरी कायनात में एक रिदम है, अगर वो रिदम कहीं भी बिगड़ता है तो तरतीब बिगड़ती है। वैसे सिंगिंग कभी करी आपने? प्रोफेशनल नहीं की, प्रोफेशनल वो तो मुझे पता नहीं की, लेकिन शौक तो होगा। हाँ, जैसे ताजदर साहब को कव्वाली बहुत पसंद है। जी हाँ, घर पे नशिस्त रहती है। मेरे बड़े भाई साहब मरहूम जो थे वो बहुत कव्वाली के रसिया थे, और घर पे अपने हर दूसरे तीसरे महीने। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो कोई हमने 3 साल ऐसे गुजारे कि हमने घर पे नशिस्त नहीं की। फिर बाबी साहिबा ने मेहरबानी की कि कहने कि नहीं, और जी भर के रोए उस कव्वाली में भाई साहब को भी याद करके सब। लेकिन ये कि फिर अब एक जो भी मौका होता है तो उस पर कव्वाली करते हैं। तो फिर सुनते हैं। हाँ, देखिए वो कलंदरों का जो दीन है वो मेरी समझ में आता है। तो ये रूहानियत का जो सिलसिला है, ये जो हम इश्क के ज़रिए पहुँचते हैं हकीकत तक, तो ये एक सिलसिला ऐसा है कि जिसमें आप उस सिलसिले को आप समझते हैं। मैं समझता हूँ। और ये कि आदमी बड़ी पाकिजगी से वहाँ बैठता है, आदमी के दिल में कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ सब पारसा बैठे होते, लेकिन वो माहौल ऐसा पाकीज़ा हो जाता है। क्या आपको पारसा बना देता है? नहीं, माहौल ऐसा पाकीज़ा हो जाता है कि आदमी बिल्कुल कि इधर उधर ध्यान नहीं जाता, और वो उसी फोकस कर लेता उस पाकीज़ी। और वो जो जिन इंसानी अकदार का मैं जिक्र कर रहा था शुरू में, कि मोहब्बत की और खाकसारी की और एक दूसरे से लगाव की, और उसके ज़रिए कि अल्लाह मोहब्बत है, और जिसने दूसरे से मोहब्बत की वो अल्लाह से करीब हुआ, अल्लाह हुस्न है, तो जिसने उसमें परस्ती की उसने अल्लाह की परस्तिश की, तो ये तमाम चीज़ें आपको करीब ले जाती हैं पालने वाले से और तख्लीक करने वाले से। तो मैं समझता हूँ कि एक मरकज़ है और उस मरकज़ की तरफ सब रुजू कर रहे हैं। कोई मंदिर के ज़रिए कर रहा है, कोई चर्च के ज़रिए कर रहा है, कोई मस्जिद के ज़रिए कर रहा है, कोई ऐसे ही वीरानों में निकल गया है। तो ये हकीकत वाहिदा की तलाश जो है ये इंसानियत को साथ लाती है। और फिर ये बात कि हम एक दूसरे के लिए तकलीफ़ उठाते हैं, कि अगर किसी को ख़तरे में देखते हैं तो अपनी जान पे खेल जाते हैं, ये हमारी माशरे की इखलाकी बुनियाद है। आपका ये जो गुफ्तगू जैसा फरमा रहे हैं, इसमें एक रूहानियत का एक लिंक है जो कि होना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, हर आदमी में होता है, कहीं ना कहीं से होता है। स्टार साइन भी इसके साथ बड़ी हेल्प करते हैं, जैसे कैप्रिकॉर्न। आप कैप्रिकॉर्न हैं जी, और आप पाइसिस हैं जी। हाँ, 9 मार्च। तो आपने सोच के कहा बहुत, आप हैं ना पाइसिस मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 9 मार्च है। 9 मार्च, मार्च तो होता ही पाइसिस का है, मार्च में है। और पाइसिस जो होते हैं ये अपनी जगह में रहने में खुश रहते हैं, अगर इनको इनकी जगह से हटा दिया जाए, यानी अगर मछली को आप पानी से निकाल लेंगे तड़फेगी वो, लेकिन एडजस्टमेंट इतनी अच्छी करते हैं ये कि एक बोतल में भी मछली आ जाती है
और एक समंदर में भी बेकरार फिरती है वो। लेकिन समंदर में रहना चाहिए। लेकिन समंदर में भी सर वो रहती जिंदा है और बेकरार रहती है, लेकिन छोटी सी एक चॉपर में भी आ जाती है और उसमें भी तैरती रहती है, यानी कि उसको जिंदगी के साथ गुजारा करना आता है। अच्छा, कैप्रिकॉन क्या है? कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन लड़ाई करता है फाइटर, हवाओं के मुखालिफ से चलता है और गिरता नहीं, उसको पता है कि उसको वहाँ पहुँचना है तो वो चलता रहता है। ये मैंने पढ़ा था कि कैप्रिकॉन्स की ये होती है, लेकिन पैसिव भी होते हैं, लेकिन मुझे अपने अंदर नहीं लगता कि मैं इतनी पैसिव हूँ। मुझे लगता है कि हर बात का एक मुस्तकबिल। कौन से समय पैदा हुई थी आप? बड़ी पुरानी बात है। कितनी को फटी पुरानी बात है जी ऐसी वैसी? कितनी कब से हूँ क्या बताऊँ, जहाने खराब में शब हाय हिजर को भी रखूँ घर हिसाब में, तो बहुत पुरानी बात है। कोई तो होगा आपसे बड़ी। तो आपने बताया नहीं कहाँ तक पहुँच गई हैं, उम्र की कौन सी सीढ़ी पे हैं? अगर आप ज़हनी उम्र पूछें तो तकरीबन 5000 साल है, और अगर जिस्मानी उम्र कितनी है फिजिकल एज आप पूछ रहे हैं, तो अब तो मैं 40वां बहुत करीब है। आपकी खुद की हंसी निकल गई झूठ बोल के। मैंने तो अपने आप को 40वें के करीब कहा है। ऐसा लगा है मुझे वैसे, जैसे आपने कहा इससे पहले के कोई और हंसे मैं हंस पड़ूं। नहीं, ये मेरा मजलिसी तबस्सुम, मेरा तर्जुमा नहीं। 40वें के बहुत करीब हूँ। 40वें के करीब हैं। इसका मतलब है स्वयं वगैरह हो चुका है। अल्लाह रहम फरमाने वाला है। आप इस मौजूदा सियासी निज़ाम, इस ढांचे और ये सियासी कारकर्दगी को किस नज़र से देखती हैं आप इस वक्त? मैं इस बारे में क्या कहूँ, दफा करो, मत खत्म करो, खत्म कर दो बात, खत्म कर दो। मैं इस पूरे आप क्यों कह रही हो जब ये कह रही थी मैं क्या कहूँ? अब मत कहो ना, चुप कर जाओ। नहीं, कहने का दिल चाह रहा है ना, तो फिर वो क्यों कहा कि क्या कहूँ? तो उसके बाद ये जुमला आ गया, मैं तो कहे बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। चले कह दे आप, चले कह दे आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पूरे निज़ाम के लिए दुआ कर सकती हूँ, पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकती हूँ, अपने लोगों के लिए दुआ कर सकती हूँ। देखिए है ना, आपके यहाँ आने से हम बड़े खुश हुए, कसम से। आपकी गुफ्तगू से मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मुझे लगा कि मैं एक बड़ी पढ़ी लिखी वाकई में खातून से बात कर रहा हूँ। पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है इस फील्ड के लिए? सर आपसे शुरू करता हूँ, ये पढ़ाई लिखाई क्या एक्टिंग में ज़रूरी है? हर चीज़ में ज़रूरी है। देखिए ना, ये हमारी इज्तिमाई दानिश है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि हमारे जो इस वक्त यंग जनरेशन आ रही है इस एक्टिंग की तरफ, ये समझ के कि ये मीडिया में एकदम हिट हो जाते हैं, सुपर हिट हो जाते हैं, तो आप उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो आएँ तो तालीम याफ्ता, तालीम मुकम्मल करके आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो हर आर्ट के लिए आपको अदब, शेर, मुसव्वरी, इनकी वाकफियत, मौसीकी की वाकफियत बड़ी ज़रूरी है किसी भी आर्ट में अगर आप आगे बढ़ें। बख्तियार अहमद ऑडिशन कैसे लेते थे? वो कहते थे कोई शेर सुनाओ, और वो कहते साहब शेर में तो मुकालमा बोलूँ, क्या नहीं शेर सुनाओ। अच्छा, वो शेर सुन के उन्हें पता चल जाता था कि हाँ बोलने का, वो शेर की कैफियत कैसे बयान करे, कि ये इसको महसूस कर सकता है कि नहीं कर सकता, अदायगी किस तरीके से है, किस लफ्ज पे जोर दे रहा है, ये भी एक तरीका, कहाँ वक्फा दे रहा है, सही। तो वो अपने आराम से उसको इसी तरीके से वो बंदा चेक हो जाता है। अब वो एक ने आके पढ़ दिया, वो कदो गेसू में कैसो कोकन की आजमाइश है, जहाँ हम हैं वहाँ दारो रसन की आजमाइश है। बख्तियार समझ गए कि रट के आया, कहने कैस कौन था? तो उनको नहीं पता था कि कैस कौन था। तो अब ये चीज़ जो है ना कि अच्छा, हमारे वाकई में ऐसा है, आधे आधे शेर सबको याद है, दो लाइनें हैं तो एक लाइन याद है, एक लाइन याद है, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अब पहली लाइन बहुत से लोगों को नहीं पता क्या है, पहली लाइन किसी को, बहुत कम लोगों को मैंने पूछा हाँ भाई पहली लाइन क्या है, कि कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि शेर और शायरी से लगाओ, मतलब आर्ट से रेलिवेंट जितनी चीज़ें वो होनी चाहिए। आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से। अगर हम इस वक्त देखें तो आर्टिस्ट ही एक ऐसी लोग हैं जिन्होंने किसी सियासी पार्टी को तरतीब नहीं दिया, मतलब फनकारों ने, या प्योर फनकारों की इंटेलेक्चुअल मुसव्विर हैं और किसी भी आर्ट से रेलिवेंट यानी कि म्यूजिक के लोग हैं, कंपोजर हैं, शायर हैं, उन्होंने कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई। आपका क्या ख्याल है? आर्ट एक इंफरादी काम है और आर्ट अंदर से निकलता है। वो सियासत में नहीं आए वो लोग? नहीं, वो सियासत एक इज्तिमाई काम है, लेकिन आर्ट जो है एक इंफरादी काम है। लेकिन अगर ये सब लोग इंफरादी लोग इज्तिमाई तौर पर करेंगे तो कितने टैलेंटेड? लेकिन बात वही है कि
किस तरीके से आप महसूस करते हैं, क्या किस तरीके से आप उसका इजहार करते हैं, इजहार पे कि एक ही चीज है उसको, आर्टिस्टों से ज्यादा हसास तो कोई होता नहीं, वो तो दूसरों का करैक्टर इतना अच्छा कर रहा होता है। मैंने कहा कि वो जो और यही उनकी प्रॉब्लम होती है कि अभी आप उमर शरीफ हैं और उमर शरीफ को बहादुर शाह जफर बनना पड़ गया, तो वो अपने खोल से निकल के वो उस दूसरे में चला गया और इस तरीके से एक जात में मुस्तकिल तजाद और टकराव की कैफियत रहती है। तो आजकल भी हो रहा है सियासत में सर, सारे लीडर कुछ और निकल रहे हैं, थे कुछ और, आए थे कुछ और, बन गए कुछ और, कर रहे कुछ और, हलफ कुछ और उठाया, काम कुछ और दिखाया, ये तो अभी भी हो रहा है, खुद बताएं ईमानदारी से। वो है, हो रहा कि नहीं हो रहा? देखिए शरीफ, सियासत जो है वो आर्ट ऑफ द पॉसिबल है और इसके अंदर हमारे जो ऑप्शन हैं बड़े महदूद होते हैं और हमें ये देखना होता है कि अच्छा जी ये रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया, अब इस रास्ते को इख्तियार करो। तो ये आर्टिस्टों में ये सलाहियत नहीं होती? नहीं, मैंने बिल्कुल ही अलग बात कही, वो ये कि आर्ट एक तख्लीकी काम है और तख्लीकी काम जो है वो इनफरादी काम होता है। यानी कि सियासतदान तख्लीकी काम नहीं करते? सियासतदान माशरे में तब्दीली का काम कर रहे हैं, तब्दीली का काम कर रहे हैं और उसके लिए यह है कि हाँ कुछ इख्तियार होने चाहिए तब्दीली करने के लिए और उनके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने काम से और लोगों को मुतहरिक करके माशरे में तब्दीली ला सकें। जैसे मैंने कहा, किसी ने कहा जी आप ड्रामे नहीं लिख रहे, मैंने कहा कि ड्रामों से समाज तब्दील नहीं हो रहा, ड्रामे सड़कों पे जब होंगे तब जाके ये बात बनेगी। तो समाज अगर आप सियासत में आ जाए, सपोज अल्लाह कर दे ऐसा और आप मिनिस्टर हो जाएँ और हो भी जाएँ आप मिसाल के, तो किस चीज़ की मिनिस्टर बनना चाहेंगे आप? सबसे पहले सियासत में आके सियासत में से साजिश को अलग करूंगी, उसके बाद सोचूंगी किस चीज के मिनिस्टर। लेकिन सियासत मिनिस्ट्री से शुरू नहीं होती, कोई भी आर्ट ऊपर से शुरू सर, नहीं। हमारे यहाँ तो यही तसव्वुर है, अगर मिनिस्टर नहीं बना तो सियासतदान ही नहीं बना। नहीं नहीं, कोई भी आर्ट ऊपर से शुरू नहीं होता, कोई भी चीज ऊपर से शुरू नहीं होती, सिर्फ कब्र आप ऊपर से खोदते। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि आप जब तक के नीचे से शुरू नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम नहीं बढ़ेंगे किसी भी चीज के अंदर, तो उस वक्त तक आपके पैर जमीन पे नहीं होंगे। आज कहते पहले बेस बनाए, पहले बेस बनाए। हमने क्या नतीजा अख्ज किया कि पहले बेस बननी चाहिए किसी भी चीज की, अगर हमारे यहाँ बेस नहीं होगी तो वो चीज कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। तो आप जितने लोग नए लोग हैं और किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बेस बनाइए अपनी प्लीज, और आप लोग जब तक बेस नहीं बनाएंगे आप ऊपर नहीं जाएंगे, चले भी जाएंगे तो गिर भी सकते हैं, क्योंकि बेस अगर आपकी मजबूत नहीं होगी आपका पैर जो है वो जम के नहीं पड़ेगा और आप ऊपर तक नहीं जा सकेंगे। इसलिए बेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सीनियर्स को फॉलो करें और वो किसी भी चीज़ में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, आप सिविल सर्विसेज में हो, आप आर्ट में हो, मुसव्विर हो, आप मुजस्मे बनाते हो, लेकिन आपको शुरुआत जो है ना वो जीरो से ही करनी पड़ेगी, जहाँ से आप जाकर के नंबर वन पे भी जा सकते हैं। तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता तरक्की के काम में, शॉर्टकट नहीं होता। तो शॉर्टकट ना लें बल्कि आप तरक्की के काम पर जीरो से शुरू करें और इंशाल्लाह जब आप नंबर वन बनेंगे तो आपको जीरो भी याद रहेगा और नंबर वन तक आने का रास्ता भी याद रहेगा। अपनी मंजिल को मजबूती से थामिए और कौम एक बन जाए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कीजिए। और ताहिदर साहब और हिना दिलपदील साहिबा, आपकी यहाँ आने का और आपकी खूबसूरत बातें, और आपकी तो ख़ासतौर से वो बातें जिनमें मैं समझता हूँ यंगस्टर को एक बड़ा मैसेज, एक बड़ी राह मिलेगी, एक बड़ी डायरेक्शन है जो आपने बताई है। और हिना दिलपजीर, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएं, इस शो को आपने एक नया रंग दिया और ख़ूबसूरत आपने बातें फरमाईं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, आपका सेट डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है अली रज़ा साहब। आपको जाते वक्त पैक करा देता हूँ सेट में? मतलब नहीं था, मैं तारीफ इस सेट की भी करना चाहती हूँ, आपके प्रोग्राम की भी करना चाहती हूँ और आपकी गुफ्तगू की भी करना चाहती हूँ। वैसे आपकी चगुफ्तगी आप में थी 25-30 साल पहले की, वो न सिर्फ कायम है बल्कि उसमें काफी गहराई पैदा हुई है और अब बामानी चगुफ्तगी। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। इतने खूबसूरत मेहमानों के साथ एक हमने एक बात करने की कोशिश करी, हमारे प्रोग्राम में बात करते हैं और हम बात के अलावा क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास बात करने की एक अथॉरिटी है, वो भी इसलिए कि आपने दी हुई है वो अथॉरिटी और हमें बात करने का
जो भी थोड़ा बहुत सलीका आता है सर ने फरमाया, वो सिर्फ इसलिए है कि हम इन सब लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, हम अपने जूनियर को भी सुनते हैं और सीनियर को भी सुनते हैं। आप भी ऐसा कीजिए, तरक्की आपकी मुंतजर रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपके तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, आपने इतना वक्त दिया।